और भोजपुरी में मैंने सुना है कि जो अश्लील नहीं गाता है वो आगे नहीं बढ़ता। दिल सवा श्याम हो गईले बिद सवा। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज देखिए मैं आप लोगों को एक और शख्सियत से मिलवा रही हूँ, और ये कौन है तो इनका परिचय ये खुद देंगे। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगी, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। तो सर आप अपना नाम बताइए। अरे तो आपको नमस्कार सर जी, और मेरा नाम अंजनी उपाध्याय है। मैं बेसिकली बलिया जिले से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं भोजपुरी गायक हूँ। तो आप भोजपुरी में गाना गाते जी? और आप क्या काम करते हैं? काम भोजपुरी गाना मैंने बताया, तो भोजपुरी तो मतलब गाना ही गाते हैं या और भी कुछ काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गाना गाना ही एक अपने आप में एक संगीत, एक अपने आप में दुनिया है। वो तो बहुत बड़ी बात है। और संगीत वाली दुनिया में जो लोग घुसे हैं, जो लोग हैं, उनकी एक अलग दुनिया ही है। तो अगर जो संगीत में काम कर रहे हैं, चाहे गाना गा रहे हैं, चाहे बजा रहे हैं, चाहे वीडियो बना रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक उनके लिए विशेष काम है। तो इससे आपका घर परिवार चल जाता है? जी बिल्कुल, इस मतलब गाने से बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ गा के सुनाइए। तो फ्रेंड्स, ये भोजपुरी के बहुत अच्छे सिंगर हैं अंजनी जी, जो आज हमारे यहाँ आए हुए हैं, और मैं आप लोगों को इनसे मिलवा रही हूँ और इनसे गाना भी आप लोगों को सुनवाऊंगी। तो कुछ सुनाएंगे आप लोगों को? गाने तो वैसे बहुत सारे हैं मेरे यूट्यूब पे, लेकिन मैं कुछ गाने छोटे छोटे जो मनोरंजक हैं उनको सुनाता हूँ। आपन लोहरावा से कजरा के रोज धोईला मनवा परेला बलमुआ, हो मनवा परेला बलमुआ, कुहू कि रोईला मनवा परेला बलमुआ, कुहू कि रोईला मनवा परेला बलमुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आवाज़ है। तो सर आपने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे लग रहा है कि मेरे जो वीडियो देखने वाले हैं उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि आजकल ये भोजपुरी में बहुत सारे विवाद चल रहे हैं अश्लील गानों को लेकर, तो आप तो इतने अच्छे सिंगर हैं, मुझे जहाँ तक पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, और भोजपुरी में मैंने सुना है कि जो अश्लील नहीं गाता है वो आगे नहीं बढ़ता है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है मैडम कि मतलब जो अश्लील ना गाए वो आगे ना बढ़े। आजकल का जो माहौल है उसमें ये चल रहा है कि अश्लील गाने वाले ही हिट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा गाने वाले लोग जो हैं वो अगर हिट नहीं भी हो रहे हैं तो काफ़ी समय तक वो बरकरार रह रहे हैं इस फील्ड में। इस मतलब जो मैंने जैसा बताया कि एक दुनिया है, इस संगीत वाली दुनिया में जो अच्छा गा रहे हैं वो लंबे समय तक चल रहे हैं, अश्लील गाने वाले लोग कुछ समय तक आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब जैसे लिखो फेको वाला स्थिति है। आप लोगों की पसंद को क्या कहिएगा? लोग तो वैसे ही लोगों को ज़्यादा मतलब वो वाला वीडियो का व्यू देखिए, आप लाइक देखिए, जो मतलब अश्लील गाने हैं उनके आप व्यू देखिए, उनके लाइक देखिए, और अच्छे गाने वाले को मतलब नहीं है। आजकल जो मेरी समस्या है, मैं जो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अश्लील गाने वाले हिट हो रहे हैं। आजकल का जो संगीत है वो म्यूज़िक बेस हो गया है, रिदम और म्यूज़िक जो अगर फास्ट हो रहा है, डांस पैटर्न का हो रहा है, तो उस पर लोग व्यू ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, व्यूवर जा रहे हैं। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे गाने में ही और क्लास के गाने में ही हम म्यूज़िक और रिदम बेस का गाना गाएं और लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ, अपना गाना पहुँचाएँ। तो चलिए सर आप एक सोहर गा के सुनाइए हमारे दर्शकों को। चंद मामाया रे आवा पर आव नदिया की, नरे आव नदिया की, नरे आव हो ए चंदा, ए चंदा लवना जोरिया के,
रात लला नवा मोरा खेला सुहो चंदा अवना अंगना माँ के बीचे लला नवा मोरा खेला सुहो। बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स ये बात सर ने बहुत अच्छा बताया कि अश्लील गाने वाले बहुत कम दिन के लिए रुकते हैं, और जो ये साफ सुथरे इतना सुरीला आवाज़ है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया आवाज़, तो ये हमेशा के लिए बरकरार रहेंगे। और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि अश्लील गाने वालों का ज़्यादा दिन मतलब ये नहीं है। तो सर और कुछ आप बोलना चाहिएगा? बाकी इस ब्लॉग को जो भी लोग देख रहे हैं उनको तो मेरे तरफ से प्रणाम है, क्योंकि मुझे पहले करना चाहिए था, मैं बीच में कर दे रहा हूँ क्योंकि आपने पहले कर दिया था नमस्कार। और आप लोग अच्छा सुनिए, अच्छी बात है कि रिदम बेस का गाना आजकल लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, डांस पैटर्न का गाना पसंद कर रहे हैं। डांस पैटर्न में भी मैं बस एक गुजारिश करूँगा कि अश्लीलता जो आपने कहा, अश्लीलता इसको बढ़ावा न दिया जाए, बस मैं तो यही कहूँगा। बाकी लोगों के मन की बात है, मैं बाकी बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ। तो सर जाते जाते एक गाना आप सुना दीजिए हमारे दोस्तों को, और बताइए कि मेरा ये ब्लॉग चैनल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, और मैं हमेशा ऐसे वीडियो लेकर आऊँगी क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा अच्छे अच्छे कलाकार आते रहते हैं। और दोस्तों आप लोगों से भी ये है कि आप लोग अच्छे कलाकारों को बढ़ावा दीजिए, उनके वीडियो को उनके गानों को ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि उनका मन बढ़े अच्छा करने के लिए, और अश्लीलता को आप लोग हमारे यहाँ से कम कीजिए ताकि हमारे भोजपुरी का भी नाम आगे जाए। जैसा कि आजकल चल रहा है भोजपुरी संगीत में सैड सॉन्ग का माहौल है, सैड मोड के गीत सुने जा रहे हैं। सुनाना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, पूर्वी निर्गुण ये सब भी है, लेकिन एक जो लोगों को पसंद आ रहा है वो एक मेरा गीत अभी कुछ दिन पहले मैंने गाया था। मंगिया में सिनुरा सजौलू हो जियते जी हमके मुआलू होई बदनामी भलही होई बदनामी भलही गौआ जवार में डोलिया न जाए दे हम ससुरार में भले मर जाइब तोहरे ही प्यार में डोलिया न जाए दे हम ससुरार में भले मर जाइब तोहरे ही प्यार में। बहुत अच्छा। तो देखिए दोस्तों हमारे बीच ऐसे ऐसे कलाकार हैं, तो आप लोग अपने इन लोगों को ऐसे कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए और अश्लीलता को दूर भगाइए हमारे समाज से। और आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ऐसे वीडियो मैं लेकर हमेशा आऊँगी आप लोगों के बीच में। तो सर हमारे चैनल पर आए, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको सर। देखे दिल सवा श्याम हो गईले विदेशवा निर्मोही दाग देके गईले टूटी गईले असरा हमार ओ निर्मोही दाग देके गईले टूटी गईले असरा हमारा निर्मोही दाग देके गईले। ओ तो ये पूर्वी था, और इसके साथ मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आए